हेलो, मेरा नाम विनीता है। मैं यहाँ पर ना अपनी कहानी सुनाने आई हूँ और मैं शुरू से सुनाऊंगी। हाँ, बचपन से ही ना मुझे सजने संवरने का बहुत शौक था और जो सुंदर लोग होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पर एक जना था जिसे मैं बहुत पसंद करती थी, मेरी माँ। मेरी माँ ना बहुत सुंदर थी। बचपन में जब वो कमरे में जाकर सजती संवरती थी तो मैं बाहर खड़े होकर उसे देखा करती थी, कैसे काजल का काला रंग उसकी आंख को और चमका देता था जब वो खुले बाल, लाल रंग की साड़ी और लिपस्टिक, बहुत सुंदर लगती थी वो। और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलकर चली जाती, मैं अंदर जाकर फिर से वो सब कुछ लगा लेती और मेरी माँ आती और मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगती और कहती, अरे ये क्या कर लिया मेरे लड़के ने। माँ, लड़का नहीं ना, लड़की। माँ, मुझे लड़की बना दो ना माँ। वो वैशाली कितनी सुंदर लगती है, सिबल लगाकर फ्रॉक पहनती है। वो वर्षा, वो तो कितनी सादा सुंदर, मुझे भी लड़की बना दो ना माँ। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मेरी बात सुनकर मुझे सजाती थी। कभी कभार तो मेरे लिए नए नए कपड़े भी लेकर आती थी, लहंगे, सूट सलवार, फ्रॉक। और कभी कभी ना मैं वो सारी चीजें पहनकर बाहर निकल जाती थी। किसी को पता ही नहीं चलता था कि लड़की हूँ या लड़का। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। मेरे बाबा नेवी ऑफिसर थे। तो मैं उस साल में सिर्फ 3 बार आते थे और जब भी आते थे ना, माँ मेरे पास आकर कहती थी, विनीत अब नहीं, बाबा जाएंगे तब। मैं ना चुपचाप हंस दिया करती थी क्योंकि मुझे पता है माँ क्यों कहती थी, क्योंकि अगर मैं सजूंगी सवरूंगी तो माँ से ज्यादा खूबसूरत लगूंगी और बाबा मुझे प्यार करेंगे। पर मैं बोलती नहीं थी। ठीक है, एक रोज मेरे स्कूल में ना फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, मैं सिंड्रेला बनकर गई और फर्स्ट प्राइज मिला मुझे। फर्स्ट प्राइज लेकर जब मैं घर आई, मैंने देखा बाबा आए हैं। मैं जल्दी से अपने घर के अंदर गई और जिस रूम में बाबा थे वहां जाकर खड़ी हो गई और मैंने कहा, बाबा। ऐसे बनकर गया था स्कूल तू, शर्म नहीं आती तुझे? गीता, गीता क्या हालत बना रखी है इसकी? मतलब जो सोसाइटी में लोग कहते हैं कि तू हमारे लड़के को लड़की बनाकर घुमाती है वो सच है? छी, तू क्या रो रहा है? आंसू बंद, आंसू बंद, पहुंच आंसू। लड़का है तू, लड़के नहीं रोते। मैं रोया, आंसू पहुंच, पहुंच आंसू। बाबा ने मारा पर मैं रोई नहीं। उसके बाद से रोई नहीं मैं। 15 साल हो गए, रोना आया ही नहीं। वक्त बीतता रहा और मैं वक्त के साथ साथ आगे निकला। मैं और मेरा शरीर तो आगे निकलना है पर मन का एक कोना अभी भी पीछे था, जो बार बार मुझे कहता था कि कुछ तो गलत है, मेरे शरीर के साथ कुछ तो गलत है, ये मेरा शरीर नहीं है, मेरे शरीर को किसी ने बांध रखा है। और शोर मचता था, इसलिए ना मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर ना बहुत अच्छी चीज है,
आर्ट है, कला है, और मैं कलाकार बन रही थी, क्योंकि कलाकार तो किसी को भी आकार दे सकता है। मुझे अपने मन को देना था, और पिछले 15 सालों से जो भावनाएं अंदर थी उन भावनाओं को बाहर निकालना था। हर एक किरदार से मैंने अपने अंदर से उन कैरेक्टर्स को बाहर निकाला और प्ले किया। लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, लोग पसंद करते थे मुझे। शायद यही एक रीजन था कि मुझे एक नेशनल लेवल प्ले के लिए सिलेक्ट किया गया। पहचान, उसमें मुझे ट्रांसजेंडर का रोल प्ले करना था और मैं बहुत खुश था। सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब डायरेक्टर ने कहा, सुनो तुम सारे के सारे ना साड़ी पहन कर रहोगे, मेकअप भी लगा लो, और स्टेज और स्टेज के नीचे सब जगह साड़ी पहन करी, और बाहर भी जा रहे हो तो साड़ी पहन करी ताकि कंफर्टेबल हो जाओ। सबको अजीब लगा, मैं तो खुश थी, साड़ी पहनना था, सब मजा आता था। बस जब घर जाती थी ना तो कोई और बनकर जाती थी। सब सही चल रहा था, बस एक सीन था जहां पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। वो सीन बार बार प्रैक्टिस कर भी कुछ नहीं हो रहा था। उस सीन में ना मुझे रोना था, क्योंकि जब भी मैं रोने की कोशिश करती थी ना, लड़का है तू, आंसू सूख चुके थे, रोना ही नहीं आता। मेरे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ मुंबई जाऊं और वहां ऐसे ही बन के जाऊं लड़की, मैं तैयार हूं। मैंने घर में बोल दिया कि मुंबई जा रही हूं प्रैक्टिस के लिए, मैं मुंबई चली गई। मुंबई में 20 दिन रुके थे, 20 दिन लड़की बन गई। वो मेरी जिंदगी के हसीन पल थे। हर एक बीतते दिन के साथ ना मेरी बेड़ी टूटती गई, और जब 30 दिन पूरे हुए मैं शीशे के सामने खड़ी थी और विनीता थी, मैं हमेशा से विनीता थी। वो तो लिबास पहन रखा था विनीत का, मैं उसी हालत में अपने घर गई। घर के बाहर गेट को खटखटाकर माँ को बाहर बुलाया और माँ को गले लगाकर कहा, माँ माँ मैं विनीता हूं। माँ, विनीत कोई नहीं था, तूने विनीता को ही जन्म दिया है माँ। बाबा आज आंख मत दिखाओ, आज डर नहीं लगेगा, औरत की हिम्मत लेकर आई हूं मैं, आज डर नहीं लगेगा मुझे। तो बस इतनी सी थी कहानी।